हर हर महादेव। आज की इस वीडियो में सावन मास के बारे में संपूर्ण जानकारी जानेंगे। पंचांग के अनुसार अषाढ़ पूर्णिमा 21 जुलाई को पड़ रही है। इसके अगले दिन ही यानी 22 जुलाई से सावन का महीना शुरू होगा, साथ ही इसका समापन 19 अगस्त को होगा। ऐसा कई वर्षों बाद हो रहा है कि जब सावन की शुरुआत और समापन भी सोमवार के दिन ही हो रही है। सावन का महीना देवों के देव महादेव को प्रसन्न करने के लिए उत्तम माना गया है। इस दौरान भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करने से प्रभु शिव शंकर प्रसन्न होते हैं, साथ ही उनकी कृपा से जातक के जीवन में खुशियों का आगमन होता है। इसके अलावा आरोग्य जीवन की भी प्राप्ति होती है। भगवान भोलेनाथ तुरंत और तत्काल प्रसन्न होने वाले देवता हैं, इसलिए उन्हें आशुतोष भी कहा गया है। आइए अब जानते हैं कि भगवान शिव जी को प्रिय 11 ऐसी सामग्री के बारे में जो उनको अर्पित करने से भगवान भोलेनाथ के हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। जल से अभिषेक। शिव पुराण में कहा गया है कि भगवान भोलेनाथ ही स्वयं जल है। शिव जी पर जल चढ़ाने का महत्व भी समुद्र मंथन की कथा से जुड़ा है। अग्नि के समान विष पीने के बाद भगवान भोलेनाथ का कंठ एकदम नीला पड़ गया था। विष की उष्णता को शांत करके शिव जी को शीतलता प्रदान करने के लिए समस्त देवी देवताओं ने उन्हें जल अर्पित किया था, इसलिए शिव पूजा में जल का विशेष ही महत्व है। बिल्व पत्र। भगवान के तीनों नेत्रों का प्रतीक है बिल्व पत्र, अतः तीन पत्तियों वाला बिल्व पत्र शिव जी को अत्यंत ही प्रिय है। प्रभु आशुतोष के पूजन में अभिषेक व बिल्व पत्र का प्रथम स्थान है। ऋषियों ने कहा है कि बिल्व पत्र भोले भंडारी को चढ़ाना एवं 1 करोड़ कन्याओं के कन्यादान का फल एक समान है। भगवान के तीन नेत्रों का प्रतीक है बिल्व पत्र। आंकड़ा। शास्त्रों के मुताबिक शिव पूजा में एक आंकड़े का फूल चढ़ाना सोने के दान के बराबर फल देता है। धतूरा। भगवान शिव जी को धतूरा भी अत्यंत ही प्रिय है। इसके पीछे पुराणों में जहाँ धार्मिक कारण बताया गया है, वही इसका वैज्ञानिक आधार भी है। भगवान शिव जी को कैलाश पर्वत पर रहते हैं। यह अत्यंत ही ठंडा क्षेत्र है। यहाँ ऐसे आहार और औषधि की जरूरत होती है जो शरीर को उष्मा प्रदान करे। वैज्ञानिक दृष्टि से धतूरा सीमित मात्रा में लिया जाए तो औषधि का ही काम करता है और शरीर को अंदर से गर्म रखता है, जबकि धार्मिक दृष्टि से इसका कारण देवी भागवत पुराण में बताया गया है। इस पुराण के अनुसार शिव जी ने जब सागर मंथन से निकले हलाहल विष को पी लिया, तब वो व्याकुल होने लगे। तब अश्विनी कुमारों ने भांग, धतूरा, बेल आदि औषधियों से शिव जी की व्याकुलता दूर की थी। उस समय से ही भगवान भोलेनाथ को भांग धतूरा प्रिय है। शिवलिंग पर केवल धतूरा ही ना चढ़ाएं, बल्कि अपने मन और विचारों की कड़वाहट भी अर्पित करें। भांग। शिव हमेशा ध्यान मग्न रहते हैं। भांग ध्यान केंद्रित करने में मददगार होती है। इससे वे हमेशा परमानंद में रहते हैं। समुद्र मंथन में निकले विष का सेवन महादेव ने संसार की सुरक्षा के लिए अपने गले में उतार लिया था। भगवान को औषधि स्वरूप भांग दी गई, लेकिन प्रभु ने हर कड़वाहट और नकारात्मकता को आत्मसात किया, इसलिए भांग भी उन्हें अत्यंत ही प्रिय है। भगवान शिव जी को इस बात के लिए भी जाना जाता है कि इस संसार में व्याप्त हर बुराई और हर नकारात्मक चीज को अपने भीतर ग्रहण कर लेते हैं और अपने भक्तों की विश्व रक्षा करते हैं। कपूर। भगवान शिव जी का प्रिय मंत्र है कपूर गौरम करुणा अवतारम, यानी जो कपूर के समान उज्जवल है। कपूर की सुगंध वातावरण को शुद्ध और पवित्र बनाती है। भगवान भोलेनाथ को इस महक से अत्यंत ही स्नेह है, अतः कपूर शिव पूजन में अनिवार्य होती है। दूध। श्रावण मास में दूध का सेवन निषेध है। दूध इस मास में स्वास्थ्य के लिए गुणकारी के बजाय हानिकारक हो जाता है, इसलिए सावन मास में दूध का सेवन ना करते हुए उसे शिव जी को अर्पित करने का विधान बताया गया है। चावल। चावल को अक्षत भी कहा जाता है और अक्षत का अर्थ होता है जो टूटा ना हो। इसका रंग सफेद होता है।
पूजन में अक्षत का उपयोग अनिवार्य है। किसी भी पूजन के समय गुलाल, हल्दी, अबीर और कुमकुम अर्पित करने के बाद अक्षत चढ़ाए जाते हैं। अक्षत ना हो तो शिव पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती। यहाँ तक कि पूजा में आवश्यक कोई सामग्री अनुपलब्ध हो तो उसके एवज में भी चावल का प्रयोग किया जाता है। चंदन, चंदन का संबंध शीतलता से है। भगवान शिव मस्तक पर चंदन का त्रिपुंड लगाते हैं। चंदन का प्रयोग अक्सर हवन में किया जाता है और इसकी खुशबू से वातावरण और खिल जाता है। यदि शिव जी को चंदन चढ़ाया जाए तो इससे समाज में मान सम्मान, यश की बढ़ोतरी होती है। भस्म, इसका अर्थ पवित्रता में छिपा है। वह पवित्रता जिसे भगवान शिव जी ने एक मृत व्यक्ति की जली हुई चिता में खोजा है, जिसे अपने तन पर लगाकर वे उस पवित्रता को सम्मान देते हैं। कहते हैं कि शरीर पर भस्म लगाकर भगवान भोलेनाथ खुद को मृत आत्मा से जोड़ते हैं। उनके अनुसार मरने के बाद मृत व्यक्ति को जलाने के पश्चात बची हुई राख में उसके जीवन का कोई कण शेष नहीं रहता। ना उसके दुख, ना ही उसके सुख, ना ही कोई बुराई और ना ही उसकी कोई अच्छाई बचती है। इसलिए वह राख पवित्र है, उसमें किसी प्रकार का गुण अवगुण नहीं है। ऐसी राख को भगवान शिव अपने तन पर लगाकर सम्मानित करते हैं। एक कथा ये भी है कि पत्नी सती ने जब स्वयं को अग्नि के हवाले कर दिया तो क्रोधित शिवजी ने उनकी भस्म को अपनी पत्नी की आखिरी निशानी मानते हुए अपने तन पर लगा लिया, ताकि सती भस्म के कणों के जरिए हमेशा उनके साथ ही रहे। रुद्राक्ष, भगवान शिव जी ने रुद्राक्ष उत्पत्ति की कथा पार्वती जी से कही है। एक समय भगवान शिव जी ने 1000 वर्ष तक समाधि लगाई। समाधि पूर्ण होने पर जब उनका मन बाहरी जगत में आया, तब जगत के कल्याण की कामना वाले महादेव ने अपनी आँख बंद की। तभी उनके नेत्र से जल के बिंदु पृथ्वी पर गिरे, उन्हीं से रुद्राक्ष के वृक्ष उत्पन्न हुए और वे शिवजी की इच्छा से भक्तों के हित के लिए समग्र देश में फैल गए। उन वृक्षों पर जो फल लगे वे ही रुद्राक्ष हैं। चलिए अब जानते हैं कि शिवलिंग पर क्या चढ़ाने से कौन सा लाभ मिलता है, कौन से फलों की प्राप्ति होती है। जल से रुद्राभिषेक करने पर हर मनोकामना की पूर्ति होती है। कुशा यानी कि घास, जल से अभिषेक करने पर रोग व दुख से छुटकारा मिलता है। दही से अभिषेक करने पर पशु, भवन तथा वाहन की प्राप्ति होती है। गन्ने के रस से अभिषेक करने पर लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। मधु युक्त जल से अभिषेक करने पर धन में वृद्धि होती है। तीर्थ जल से अभिषेक करने पर, तीर्थ जल यानी कि गंगा जल से अभिषेक करने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। इत्र मिले जल से अभिषेक करने से रोग नष्ट होते हैं। दूध से अभिषेक करने से पुत्र की प्राप्ति होती है। प्रमेह रोग की शांति तथा मनोकामनाएं पूर्ण होती है। गंगा जल से अभिषेक करने से ज्वर ठीक हो जाता है। दूध और शक्कर को मिलाकर अभिषेक करने से सद्बुद्धि की प्राप्ति होती है। घी से अभिषेक करने से वंश का विस्तार होता है। सरसों के तेल से अभिषेक करने से रोग तथा शत्रुओं का नाश होता है। शुद्ध शहद से रुद्राभिषेक करने से पापों का क्षय होता है। शिवलिंग पर कच्चे चावल चढ़ाने से धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। तिल चढ़ाने से समस्त पापों का नाश होता है। शिवलिंग पर जो चढ़ाने से लंबे समय से चली आ रही परेशानियां, बीमारियों दूर होती हैं। शिवलिंग पर गेहूं चढ़ाने से सुयोग्य पुत्र की प्राप्ति होती है। शिवलिंग पर जल चढ़ाने से परिवार के किसी भी सदस्य का तेज बुखार कम हो जाने की मान्यता है। शिवलिंग पर दूध में चीनी मिलाकर चढ़ाने से बच्चों का मस्तिष्क तेज होता है। शिवलिंग पर गन्ने का रस चढ़ाने से सभी सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है। शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाने से मनुष्य को भौतिक सुखों के साथ साथ मोक्ष की भी प्राप्ति होती है।
शिवलिंग पर शहद अर्पित करने से टीबी या मधुमेह की समस्या में राहत मिलती है। शिवलिंग पर गाय के दूध से बना शुद्ध देसी घी चढ़ाने से शारीरिक दुर्बलता से मुक्ति मिलती है। शिवलिंग पर आंकड़े के फूल चढ़ाने से सांसारिक बाधाओं से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। शिवलिंग पर शमी के पेड़ के पत्तों को चढ़ाने से सभी तरह के दुखों से मुक्ति प्राप्त होती है। तो उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो में सावन मास में शिवलिंग पर आपको क्या चढ़ाना चाहिए और किस चीज वस्तु के चढ़ाने से किन फलों की प्राप्ति होती है, ये संपूर्ण जानकारी हमने बताने की कोशिश की है। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आई है, ये जानकारी अच्छी लगी है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और दूसरों को भी शेयर जरूर करें ताकि वो भी इसका लाभ प्राप्त कर सके। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपने सनातन धर्म से जुड़े व्रत त्यौहार पूजा पाठों के बारे में संपूर्ण जानकारियां प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। हर हर महादेव।